Like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we वी डिस्कसिंग अबाउट T एस टेट की जो हमारी preparation चल रही है 2022 के अंतर्गत आज का जो हमारा target subject होने वाला है वो है हिंदी हिंदी के अंतर्गत paper one and paper two में आज का जो हमारा topic होने वाला है वो है कॉल कॉल को जिसे हम इंग्लिश में टेंथ कहते हैं टेंथ के ऑलरेडी हमने सेशन अपलोड कर दी है यानी कि कॉल के डिफिनेशंस एंड उसके बेथ हमने सभी देख लिए नेक्स्ट हम उन इंडिविजुअल क्लासेस पर बात कर रहे हैं जो कि बेद है बेद पर डिपेंडेंट हमने जो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो हर एक काल का यहाँ पर दिया का है तो इंडिविजुअली हम यहाँ पर सेशंस अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक से लिंक करके दूसरा सेशन होता है तो सेशंस को स्किप मत कीजिएगा जरूर सारे सेशंस उसे क्या कहते हैं भविष्य काल कहते हैं उदाहरण सहित समझते हैं देखिए वहाँ कल घर जाएगा अभी उसने गया नहीं है ना वो जा रहा है यानी कि वो आगे चलकर जाएगा वहाँ कल जाएगा यहाँ पर देखिए आज का डेट डिनोट नहीं कर रहा है आज जा रहा है नहीं बता रहा है यहाँ आज जा चुका है ये भी नहीं बता रहा है आगे यानी कि कल का जो फ्यूचर है वो आज ही डिसाइड आज ही एक नोट बना कर रख लिया है तो वो कब जाने वाला है वो उसने बता दिया वो कल जाने वाला है तो जो फ्यूचर में होगा वो अभी यहाँ पर डिसाइड करके चल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहते हैं भविष्य काल के वेद देखते हैं कितने वेद है काल के चलिए समझते हैं भविष्य काल का वेद यहाँ पर भविष्य काल के कुल तीन वेद होते हैं जो नीचे दिए गए हैं कितने वेद होते हैं कुल तीन भेद होते हैं एक सामान्य काल दूसरा है संभाव्य काल तीसरा है हेतु हेतु मत विषय काल इस प्रकार यहाँ पर काल को तीन भागों में बांटा गया है त्रिवे में इसे डिवाइड किया गया है चलिए हर वे में जो हर यहाँ पर डिवाइड किया गया है उनको एक एक यहाँ पर समझते हैं फर्स्ट जो है सामान्य काल इसकी परिभाषा देखते हैं क्रिया के जिस रूप से भविष्य सामान्य ढंग का पता चलता है तो, तो क्रिया सामान्य भविष्यकाल की क्रिया कहलाती है यानी कि जो क्रिया है जिस वाक्य में एक जो क्रिया होती है वो अगर भविष्य को यहाँ पर सूचित करती है और जो सेंटेंस है वो सामान्य ढंग यानी कि सिंपल सेंटेंस में हो तो उसे हम क्या कहते हैं सिंपल सेंटेंस में हो और वो एक क्रिया जो है भविष्य को सूचित करते हो सिंपल टेंस में हो तो उसे हम क्या कहते हैं सामान्य भविष्यकाल कहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं सामान्य भविष्य काल उदाहरण सहित समझते हैं बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे यानी कि खेलने का काम अभी नहीं चल रहा है ना वो खेल चुके हैं आगे चलकर वो बच्चे उस कैरम बोर्ड का जो गेम है वो खेलेंगे इस प्रकार वो फ्यूचर टेंस को यहाँ पर दिखा रहा है एंड सिंपल टेंस में एक बच्चों की बात कर रहे हैं एंड यहाँ पर एक गेम जो है एक ही क्रिया है यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है तो यहाँ जो सिंपल टेंसेस में कार्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं सामान्य भविष्य नेक्स्ट देखिए संभव संभव्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो वह क्रिया संभावित काल क्रिया कहलाती है यानी कि वाक्य में जब क्रिया जो है वो भविष्य को सूचित करें एंड यहाँ पर संभावना कंडीशन यानी कि जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट करे यानी कि संभावना है काम हो भी सकता है क्रिया या नहीं भी हो सकता है यहाँ पर पर्टिकुलरली हम यह नहीं कह सकते कि वो काम कल हो जाएगा जब वो जाएगा या ना जाएगा जो है ये कन्फ्यूजन है जब कोई बात हमें यहाँ पर निश्चित नहीं पता है संभावना के तौर पर हम यहाँ पर बात को दर्शा रहे हैं तो वो हो जाएगी संभाव्य भविष्य काल तो चलिए उदाहरण सहित समझते हैं परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो यहाँ पर ए, उसने जो है एक एक परीक्षा लिखी थी यानी कि एग्जाम लिखी थी अब वो यहाँ पर अपने आप को ही ये सोच रही है कि रिज़ल्ट जो है उसका शायद उसके अंक अच्छे मार्क्स हो यानी कि उसे जो फ्यूचर में होने वाला है ये इसका पूरे कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे शायद भी मिल सकते हैं या अच्छे मार्क्स नहीं भी मिल सकते दोनों यहाँ पर दो कंडीशंस जब डिवाइड होंगे तो ये हो जाएगा संभावना उसे कहते हैं संभावना भविष्य काल यानी कि परीक्षा में जो है वो अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकती है नहीं प्राप्त भी कर सकती ये डिपेंडेंट है फ्यूचर को डर रहा है एंड ये फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ एंड अच्छे एंड पूरे दोनों भी दोनों सिचुएशंस पे यहाँ पर कार्य जो है क्रिया जो है डिपेंड है हो भी सकता है नहीं हो भी सकता है आ भी सकता है नहीं आ भी सकता है तो ये जो है इस प्रकार के जब कंडीशन दिखाए थे तो वो हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्य का नेक्स्ट देखते हैं हेतु हेतु विषय भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरे होने होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो करता हो वह क्रिया हेतु हेतुमत विषय भविष्यत काल कहलाता है यानी कि जो क्रिया है वो कार्य जो है पूरा होना जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है वो भविष्य काल के दूसरे काम पर डिपेंड हो तो उस पर हम क्या कहते हैं हेतु हेतुमत भविष्य काल कहा जाता है उदाहरण सहित समझते हैं वहाँ कमाए तो मैं खाऊंगा। यानी कि वो यह, जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर उसने कमाया अगर कोई मनी एन की तो मैं कुछ खाऊंगा। यानी कि अभी उनके पास मनी नहीं है फ्यूचर की बात कर रहे हैं यानी कि वो कमाएगा फ्यूचर में अगर वो कमाएगा यानी कि अभी कमा नहीं रहे हैं ना कमा चुका है अभी उनके पास कुछ नहीं है अगर वो कमाएगा फ्यूचर में तो मैं बैठ कर खाऊँगा इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं मैं खाऊँगा अगर वो कमा के रखेगा मनी होगी तो मैं खाऊँगा ना फ्यूचर यानी कि उसका कमाने पर जो डिपेंड है इसके खाने का यानी कि खाने पर डिपेंड है जो मनी इस प्रकार जो वाक्य एक दूसरे के साथ डिपेंडेट हो तो उसे हम क्या कहते हैं हेतु हेतुमत विषय भविष्य कहा जाता है तो आई होप आपको यहाँ पर सेशन समझ आ चुका होगा फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा नेक्स्ट सेशन हम इस पर फिर से करेंगे एंड जो हमारे सेशन में न्यू है डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट जब भी हम अपलोड करेंगे सेशन आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड यहाँ पर सिलेबस जो है एकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है प्ले लिस्ट में भी देखिए जो भी जिस भी टॉपिक पर आप यहाँ पर देखना चाहते हो सेशन जैसी भी टॉपिक पर आप यहाँ पर प्रिप्रेशन करना चाहते हो प्ले लिस्ट में जाए प्ले लिस्ट में तो सारे सेशन आपको एक हिंदी के मिल जाएंगे एक सेशन में आपको प्ले लिस्ट में हिंदी की सारे सेशन अवेलेबल है एकॉर्डिंग टू सिलेबस के साथ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने सारे अकॉर्डिंग टू लिंक्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं जब भी आप लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट उस सेशन को देखोगे तो इस प्रकार आपको टू फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड कर दिया है जो यहाँ पर प्रिपेयर होना चाहते हैं प्रिपेयर करना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं तो सारे लिस्ट आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा आपका प्रिपरेशन यहाँ से हिंदी से हो जाएगा एंड सेशन को शेयर भी करते चलिएगा तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे आंटी नैंकी बाय